हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू द चैनल एंड दिस इज़ दी स्टार्टर्स 108 का सॉल्विंग सेशन। आई नो वी आर अ डे लेट, कल कॉन्टेस्ट भी थोड़ा लेट हुआ था और मुझे भी थोड़ा काम था, सो आई वॉज नॉट एबल टू रिकॉर्ड द वीडियो। बट आज हम लोग स्टार्टर्स 108 के फर्स्ट 3 प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। मे बी वी विल लुक एट द फोर्थ प्रॉब्लम लेटर ऑन, बट एज ऑफ नाउ वी विल बी सॉल्विंग द फर्स्ट 3 प्रॉब्लम्स। सो द वेरी फर्स्ट प्रॉब्लम जो है वो पैलिंड्रोमिक प्राइम नंबर्स। So you can try reading the problem meanwhile. I will count to 5, 1, 2, 3, 4 and 5. तो problem क्या बोल रहा है? See, आपको n दिया है, suppose n is 8, right? तो हमें क्या बोलना है? We have to find the first 8 palindromic prime numbers. Now what is palindromic prime numbers? ऐसे numbers जो palindrome भी है और prime भी है, right? जैसे for example 2 is palindrome and prime. 3 palindrome and prime, 5 palindrome and prime, 7 palindrome and prime, 11 palindrome and prime, 13 is not, 15 is not prime, 17 is not prime, 19 is, 17 is prime but not palindrome, 19 is prime but not palindrome, and then, हमें example में दिया, it's 101 and 131 and then 151, so these are the first 8 palindromic prime numbers, ठीक है? अब हमें क्या बोलना है? हमें ना ये काउंट करके बताना है कि कितने ऐसे नंबर है जो इवन लेंथ के और कितने ऑड लेंथ के, मतलब ये सारे जो है ऑड लेंथ के, सिर्फ एक इवन का है ना। तो हमारा आंसर हो जाएगा 8 के लिए 17, दैट इज़ वन, एक 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 ऐसा नंबर है जो कि इवन लेंथ का है, बाकी 7 ऐसे नंबर है जो ऑड लेंथ के हैं। तो ऐसे हमें एन की कोई भी वैल्यू देगी, दी हुई होगी, एंड वी जस्ट नीड टू फाइंड आउट हाउ मेनी नंबर्स आर देयर, ठीक है? तो अब ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है, तो ये बहुत सिंपल है। सी, व्हेन यू विल ट्राई टू फाइंड आउट मोर सच नंबर्स ना, यू विल रियलाइज कि ऐसा कोई और नंबर है ही नहीं जो कि इवन लेंथ का भी हो और पैलिंड्रोमिक भी हो। 11 इज़ द ओनली नंबर जो कि इवन लेंथ का भी है और पैलिंड्रोमिक भी है। तो फिर व्हाट वी कैन कंक्लूड फ्रॉम हियर इज दैट इफ यू वॉन्ट टू, अब ऐसा क्यों, अच्छा ऐसा क्यों, राइट? सी, 1221 अगर ये नंबर है, ट्राई टू डिवाइड इट बाई 11, ट्राई टू डिवाइड इट बाई 11। तो हम अपना 11 से अगर इसको डिवाइड करने जाएंगे, सो वी विल गेट 1 1 1। सो इफ़ अ नंबर इज पैलिंड्रोमिक, इट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू बी डिवाइडेड बाई 11। ये होता ही होता है, मतलब देखो अगर वो पैलिंड्रोमिक है, मतलब यही ना कि फर्स्ट हाफ का सम लेफ्ट हाफ के, फर्स्ट हाफ का सम राइट हाफ के सम के इक्वल आएगा, और अगर ऐसा है तो इट इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी डिविजिबल बाई 11। ट्राई करके देख लो, मे बी राइट डाउन योर 3, एनी नंबर इट इज़ गोइंग टू बी डिविजिबल बाई 11। अगर वो इवन लेंथ का है और ये है पैलिंड्रोमिक है और वो प्राइम है, तो वो 11 से डिवाइड होने वाला ही है। तो फिर ऐसे केस में हम बोल सकते हैं कि हाँ, एक ही ऐसा नंबर हो सकता है जो प्राइम है, वो खुद 11 है, वो भी 11 से डिवाइड होता है, बट खुद से तो डिवाइड हो ही सकता है ना प्राइम नंबर। सो वी कैन कंक्लूड कि एक ही ऐसा नंबर है जो कि इवन भी है और प्राइम भी है, एंड दैट इज 11, मतलब इवन लेंथ का भी है और प्राइम भी है, एंड दैट इज 11। तो 11 है, तो फिर हमारा आंसर बहुत सिंपल हो गया। हमारा आंसर क्या हो गया, अगर तो हमें 4 तक पूछा तो आंसर हमारा 04 हो जाएगा। अगर हमें 5 से पूछा, क्योंकि 11 जो है पांचवा कैरेक्टर है ना, तो 5 के बाद से हमेशा इवन वाला 1 और ऑड वाला n माइनस 1 होगा, और 5 से पहले इवन वाला 0 और ऑड वाला n होगा। सो यही था, मतलब बेसिक सिंपल सा प्रॉब्लम। तो इसको कोड कर लेते हैं, आई होप समझ में आया होगा, कुछ भी नहीं है लिटरली प्रॉब्लम में। प्रॉब्लम में सिर्फ क्या बोला है कि हमें पहले n लेना है, और हम क्या चेक करेंगे, इफ n इज़ लेस देन 5, अगर n लेस देन 5 है तो आंसर क्या होगा, 0 एंड n। और ऐसा नहीं है, अगर n 5 है, 5 से बड़ा है, मतलब अब 11 उसमें इंक्लूड होने वाला है, तो आंसर क्या होगा, 1 एंड n माइनस 1, एंड दिस विल बी अवर आंसर, एंड आई गेस दिस शुड बी एक्सेप्टेड। तो लेट्स डायरेक्टली ट्राई टू रन इट इन विदाउट सबमिट इन प्रैक्टिस। ओके, आई गेस रीस्टार्ट करेंगे तो हो जाएगा। या लेट्स ट्राई सबमिटिंग दिस, एंड यू कैन सी इट इज़ एक्सेप्टेड। सो हाँ, दिस वॉज अबाउट द प्रॉब्लम, आई होप समझ में आया होगा। नाउ वी विल स्टार्ट विद द सेकेंड प्रॉब्लम इन अ मिनट। थैंक यू।